हाय, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू -2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर बी, ए टू द पावर बी प्लस बी टू द पावर ए एंड ए प्लस बी होल टू द पावर ए बी। लेट अस सॉल्व वन बाई वन। फर्स्ट इट इज गिवन दैट ए टू द पावर ए प्लस बी टू द पावर बी, हमें क्या करना है, केवल वैल्यू फाइंड करना है। तो बस वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मीन्स ए टू द पावर ए मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3, सो यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर बी, बी आपकी वैल्यू है -2, सो -2 टू द पावर -2। अब यहाँ पर हम इवेलुएट कर लेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 3 का मतलब हो गया कि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2 का पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव करेंगे एक्सपोनेंट को, एंड दैट्स वाई वी रेसिप्रोकल करेंगे हम यहाँ पर, और ये हो जाएगा -1 -2 का +2। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 9 3 27 प्लस, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, मीन्स -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 में 2 बार, एंड वी विल गेट 27 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 2 4, सो ये प्लस में 4 मिलेगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 4 4 4 27 4 7 21 का 1, 2 कैरी ओवर एंड 4 2 8 108 प्लस 4 4 एंड 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 109 होल अपॉन 4 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ द सेकेंड पार्ट, सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि 3 टू द पावर ए की वैल्यू बी दिया है पावर में तो -2 प्लस बी टू द पावर ए करना है, मींस -2 टू द पावर करना है क्या 3। ध्यान दीजिएगा 3 टू द पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 को पहले प्लस करेंगे और प्लस करने के लिए 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 करना पड़ेगा, मतलब कि ये फॉर्मूला लगेगा, ए टू द पावर माइनस एम रहता है तो 1 अपॉन a टू द पावर m हो जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो 1 अपॉन इतना हो जाएगा प्लस -2 का होल क्यूब, मीन्स -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन 9 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 2 2 4 4 2 8 मीन्स -8। ठीक है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो यदि निगेटिव है तो माइनस आएगा ही आएगा डेफिनेटली, और 2 2 4 2 8 यहाँ पर 8 हो गया, सो फाइनल मिल जाएगा 1 अपॉन 9। देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस मिल जाएगा -8। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1 करके, यहाँ पर एलसीएम होगा 9 9 9 1 होगा यहाँ पे माइनस, 1 9 9 एंड 9 8 72 और 1 में से 72 माइनस करेंगे तो मिलेगा -71 अपॉन 9 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट, हमारे पास है ए प्लस बी होल टू द पावर ए बी, ए प्लस बी करेंगे मतलब कि 3 प्लस -2, ए आपका 3 है और बी क्या है -2 है, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें करना क्या है कि इसका पावर ए बी लेना है, मीन्स 3 टाइम्स -2। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 प्लस -2 है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही प्लस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा 3 -2 होल टू द पावर, यहाँ मिल जाएगा 3 2 6 -6। ओके, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है माइनस हो जाएगा तो -6। अब यहाँ पर देखिए 3 -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 टू द पावर -6 और 1 टू द पावर -6 वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लेंगे, कोई भी एक्सपोनेंट लेंगे 1 के पावर में तो वे एक्चुअली 1 ही आता है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं 1 अपॉन 1 टू द पावर 6, ऐसा भी कर सकते हैं, और फाइनली हमारा 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा फाइनली, मीन्स 1 इज योर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।